हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे हाथ में नॉइस के वायरलेस ईयरबड्स। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो बॉक्स के हिसाब से वो पड़ेंगे आपको 4,999 के, और अगर आपको उनके साइट के थ्रू या शॉप्स के थ्रू खरीदते हो तो वो आपको पड़ेंगे करीब 2,799 के। तो अगर हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें जो कि बॉक्स के हिसाब से है, तो वो है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, इसकी चार्जिंग है USB-C टाइप, और अगर हम इसके आगे की बात करें तो कि इसको एक बार चार्ज करने के बाद 5 घंटे का प्लेबैक टाइम है, और बाकी कि इसकी फुल टच कंट्रोल है। फुल टच कंट्रोल क्या है वो मैं अभी आपको आगे बुलेटिन क्वालिटी में बता दूंगा। तो अभी हम इसको खोलते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमने इसको हटा लिया है ऊपर से कवर। तो इसमें एक हमें ईजी रीसेट गाइड और एक क्विक पेयरिंग गाइड मिली है। रीसेट क्या, जब ये पूरी तरीके से मतलब थोड़े से बताइए कि थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है तो उसमें रीसेट कर देती है। बाकी ये क्विक पेयरिंग गाइड जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता रहती है कि ब्लूटूथ कैसे पेयर करना है। वैसे ये बहुत पावरफुल है पेयरिंग की बात में, और बाकी खुद ही आपको स्मार्टफोन से ब्लूटूथ में पेयर कर लेना है। तो अभी हम इसको रख देते हैं और इसको निकालते हैं अपने बॉक्स को। तो आपको क्या करना है, ऐसे साइड में से निकाल लेना है इसको। हम इसको अलग निकाल लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं वारंटी कार्ड है, इसमें 1 मंथ की वारंटी आती है और नॉइस क्वालिटी की भी वारंटी आती है जो कि बॉक्स पे लिखी हुई है पूरी तरीके से, नॉइस क्वालिटी गारंटी। तो आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि जी हमारी गारंटी वारंटी है कंपनी के थ्रू। तो आगे हम अगर अपने बॉक्स को आगे खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ से पीछे से बैकमैन ने दे रखा है खोलने के लिए, तो आपको यहाँ से आसानी से खोल लेना है फिर से दबा के, और ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक चार्जिंग लीड आती है जो कि मैंने आपको बताया था टाइप सी चार्जिंग में, तो ये फोनों की तरह नहीं है, जैसे USB चार्जिंग जैसे अलग आती थी वो वैसी नहीं है, इसमें अलग टाइप की है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। ये ईयरबड्स के लिए एक्स्ट्रा कवर है, और ये है हमारी मेन थिंग। पहले हम इसकी बुलेटिन क्वालिटी देख लेते हैं। तो यहाँ गोल्डन कवर से इसकी शाइन के लिए दी गई है, बाकी सर्कल की शेप है, और यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन के देने के लिए मतलब चालू है इसके लिए इंडिकेटर है यहाँ पे, और ये हमारी चार्जिंग के लिए। तो बाकी हम अब इसको खोल लेते हैं, यहाँ से ये खुल जाता है। तो अब इसकी बड़ी बात आती है, बड़ी बात क्या, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ है। देखिए अब मैंने इस डिब्बे को खोला, अभी ये जो है इसमें धीरे धीरे करके लाइट होने लगी, देखो लाल लाइट जलने लगी। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो देखिए बाहर निकलते ही ब्लू लाइट जलने लग गई। अब ये ऑटोमेटिक कनेक्ट भी होने लग जाते हैं, कैसे देखिए, अब दोनों में ब्लू लाइट जलने लगी, ऑटोमेटिक बाहर निकलते ही दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी अगर हम इसकी देखें तो यहाँ से ये चार्जिंग के लिए दे देती है, और इसकी और कुछ तो है नहीं बात इसमें, लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी है इसकी। और इसमें देखिए इनकी वोल्टेज क्वालिटी, देखिए इनकी बुलेटिन क्वालिटी में ऐसी क्या बात है कि ये बिल्कुल बाहर की जो एक्स्ट्रा नॉइज होती है उनको बहुत ही आसानी से कैंसिलेशन कर देती हैं पूरी, कि आप इनकी जो वॉइस है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है ये, और बहुत आसानी से हमारे ईयर में लग जाते हैं। कई लोगों के ईयर में दर्द हो जाता है ईयरफोन लगाने से, लेकिन इससे कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से लग जाती हैं। तो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ अपने ईयर्स में, तो देखिए बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं और नॉइस कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए अब देखिए कानों में आवाज़ आ जाती है इनकी, तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि आवाज़ है, और जब आप इसको पेयर करते हैं तो बहुत ही आसानी से पेयर हो जाता है और नोटिफिकेशन आ जाती है फ़ोन पे। और अगर हम इसकी वॉइस की ये बात करें तो ये बैठेगी कम से कम 150 MB और 150 Hz के करीब। तो देखिए बाकी की क्वालिटी वालिटी मैंने आपको बताई दी है, और अगर आपको गारंटी वारंटी क्लेम करनी है तो वो कंपनी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं आप। बाकी इसकी बुलेटिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और मटेरियल की हम बात करें तो देखिए आप पीछे की प्लास्टिक है, और ये आगे की भी थोड़ी सी प्लास्टिक लेकिन थोड़ी मेटेलिक इन यूज़ करिए, आगे पीछे भी प्लास्टिक सेम लेकिन आगे थोड़ी सी मेटेलिक। इसमें क्या बात है, इसमें थोड़ी सी ऊपर से मेटेलिक एंड अंदर से थोड़ी सी अलग लगाई गई है, देखिए ये प्लास्टिक है पूरी, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ की है थोड़ा सा प्लास्टिक और उसके ऊपर अलग लेयर लगाई गई है। यहाँ पे इनने अपने लोगो वोगो लगाए हैं, आगे लोगो है, और चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे दिया रखा है, और इंडिकेटर अगेन मैं बताता हूँ आपको, ये रहा यहीं से ओपन भी हो जाता है ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको देख रखा है इसके थ्रू ये चार्ज होते हैं, तो
तो बाकी हमने बॉक्स आपको खोल के दिखाया, फ्यूचर्स आपको सारे बताए, तो आपको हमें बताना होगा कि जी आपको प्रोडक्ट कैसे लगा। अगर आपको बाय करना है ये तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मुझे पसंद आई। और आपको कैसी लगी ये खरीदने के बाद, या आप देख के कैसे लगा प्रोडक्ट, तो कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।